हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ क्लीनिंग व्लॉग। जो मॉर्निंग की घर की क्लीनिंग होती है, तो वो मैं कैसे करती हूँ जब मेरे घर पे मेड छुट्टी पे होती है। वैसे तो मेड लगी हुई है ना, तो मुझे मोस्टली डस्टिंग ही करनी होती है, क्योंकि झाड़ू पोछा और बर्तन तो वही करते हैं। तो आज मुझे सारी चीज़ करनी थी, और बच्चा भी जब घर होता है ना तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मेरी मेड पूरे तीन चार दिन तो लगातार छुट्टी पे रही थी, तो सोचा चलो आप सबके साथ ये वाला रूटीन भी शेयर कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में जो छोटे छोटे जो खिलौने टॉयज़ वगैरह बच्चे लोग जो खेलते हैं वो ही समेट लेती हूँ। उसके बाद आता है सोफ़े की डस्टिंग। तो वैसे तो सोफ़े के कवर ना चेंज करने वाले हो रहे थे, पर जैसे कि मैंने बताया मेड छुट्टी पे है ना, तो मैं ऐसा कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ उस टाइम जब मेड छुट्टी पे हो, क्योंकि झाड़ू पोछे में ही ना मुझे आदत नहीं होती ना, तो फिर मुझे वही ज़्यादा लगती है चीज़। तो मैं बस डस्टिंग और झाड़ू पोछा ही करती हूँ। तो यहाँ सारे रूम की पहले डस्टिंग करूँगी, बेडशीट ठीक करूँगी अच्छे से साफ करके, और सोफ़े भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि जब मेड नहीं आती ना तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करते करते हमें काम करना चाहिए। या तो फिर अगर आपके छोटे बेबीज़ हैं तो वो लोग जब सो जाते हैं मॉर्निंग में तो फटाफट से तभी काम करना पड़ता है। जब खुश छोटा था तो मैं वैसे ही काम करती थी कि जब भी 1-1.5 घंटे के लिए बच्चा सो जाए तो उस रूम को छोड़ के बाकी घर की क्लीनिंग कर लेती थी। तो वैसे ही होता है, और मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ यही करती होगी, क्योंकि यही टाइम होता है जब साफ़ सफाई का हमें मतलब मौका मिलता है। वैसे तो बच्चे को ही देखना होता है उस टाइम पे। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी, और जो एसी चलाना पड़ता है ना, अब तो गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा आ गई है, तो फिर एसी चलते हैं। और एसी की वजह से हम लोगों ने ना अभी गर्म जो बेडशीट होती है, तो बेडशीट कह रही हूँ ब्लैंकेट्स जो होते हैं, तो वही निकाले हुए हैं, तो वही मैं आज तय करके रख दूँगी साइड पे। और डस्टिंग तीनों जगह की मतलब तीनों रूम्स की एक साथ ही कर लूँगी। और आपके साथ मैंने अभी जो जहाँ पे पहले मंदिर था ना, जो हमारा स्टडी रूम है इस वाले पोर्शन का, तो वो मैं आपके साथ आने वाले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि वहाँ मैंने किस तरीके की वो रूम की अरेंजमेंट की है, सेटिंग की है। तो वो भी रूम बहुत अच्छे से अब सेपरेट हो चुका है। तो बस यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह अच्छे से हो चुकी है, तो उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। और जब मेड नहीं आती ना, तो वैसे तो मेड देखो हम जैसे कर रहे हैं वैसे क्लीनिंग नहीं ही करते हैं, क्योंकि हम तो बहुत ही होता है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। वो लोग को बहुत सारे घर में काम करना होता है, तो वो अपनी ही स्पीड में आके करके चले जाते हैं। तो जब भी मेड नहीं आते ना, तो हमारे दिमाग में ये भी होता है कि आज अच्छे से सारे कोने कोने से झाड़ू भी निकाले, पोछे भी लगाए, है ना, बेड के नीचे से वो लोग जहाँ तक झाड़ू जाती है वहाँ पे हम पूरा हाथ नीचे लगा के फिर सारी क्लीनिंग करते हैं। तो वैसे ही होता है ज़्यादातर। तो बस यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर लूँगी। और अभी मेरे बीच में ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को हम ले के आए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, तो वही सारी चीज़ें चल रही थी, इसी वजह से मैंने ब्रेक लिया था। क्योंकि ब्रेक लेना भी ना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। एक तो गर्मी इतनी बढ़ रही है ना, मतलब पूछो मत, हालत बहुत ख़राब हो रही है, और ऊपर से जब मेड नहीं आए थे तो सारा काम खुद करना होता था, तो थोड़ा एग्जॉस्टिव हो ही जाता है सबके लिए, है ना। तो बस ये वैसे मैं अभी ये व्लॉग अब अपलोड कर रही हूँ, पर ये व्लॉग काफ़ी दिनों पहले का है, तो आई थिंक 10-15 दिन पहले का ही व्लॉग है। तो अब मैं आपके साथ जैसे ही मुझे टाइम सेट होता है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे झाड़ू अच्छे से मैं लगा लूँगी सारी। आज मैंने पूरा क्लीनिंग का व्लॉग इसीलिए बनाया है, और खुशू ने भी आज मेरी बहुत हेल्प की थी। वैसे तो खुशू और राजन अभी मॉर्निंग का टाइम था और वीकेंड ही था, तो आई थिंक सैटरडे या संडे का ही व्लॉग था ये। तो ये लोग ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके फिर वो लोग नीचे जा चुके थे खेलने के लिए पार्क में, तो उसी टाइम पे मैंने ये क्लीनिंग वगैरह और डस्टिंग वगैरह सुबह सुबह कर ली थी। और बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में, है ना,
तो आगे आगे मैं आप सबके साथ रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन भी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद मैंने ना बालकनी में से भी झाड़ू लगा ली अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा मिट्टी चलती है ना, मिट्टी उड़ती है ना, तो मिट्टी मिट्टी हो ही जाता है। और बस यहाँ पे क्लीनिंग करके फिर ये वाले रूम की भी सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी। और ये वाली बेडशीट ना बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, 3-4 साल हो गए, और कॉटन की है और बहुत ही स्मूथ और अच्छी है, तो बहुत अच्छा लगता है ये बिछाने में। तो घर को क्लीन करना ना हर हाउसवाइफ को अच्छा लगता है, मतलब खुद करना वो बहुत ही अलग फीलिंग होती है ना, जो करता है वो समझ पाता है। तो मुझे भी वैसे अच्छा लगता है, पर मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग मेरी चल रही है। और आज मैंने ना वो जो पोछा मेरा था, मॉप जो होता है, वो ही निकाल लिया था मैंने, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने वाली हालत थी नहीं मेरी भी। तो फटाफट से झाड़ू लगा के फिर मैंने वो मॉप निकाला, क्योंकि मेड लगी हुई है ना, तो मॉप भी मैंने ऊपर रख दिया था। और ये वाली डाइनिंग टेबल जो मेरी रखी हुई है, वो भी ना उसकी भी 2 चेयर टूट चुकी है, तो देखते हैं आगे इसका भी हम या तो रिपेयर करवाएंगे या तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार कोई भी फर्नीचर ऐसे ही रखा हुआ होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पे सारे घर की झाड़ू अच्छे से मैंने निकाल लिया है, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था झाड़ू लगाने में ही, लग गया होगा आधा घंटा ही लग गया होगा, क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते भी बहुत सारी चीज़ें कर रही थी साथ साथ, जैसे कि डोर्स को क्लीन कर लिए थे अच्छे से कपड़े से, और साथ साथ ये व्लॉगिंग भी करना होता है ना, तो टाइम लग ही जाता है, यहाँ से यहाँ कैमरा सेट करना, एंगल सेट करना, तो वो टाइम लग ही जाता है। तो बस यहाँ अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने मॉप निकाल लिया था, और मॉप से ना इजी हो जाता है पोछा लगाना, और ये टाइल्स जो लगी हुई है ना उसमें बहुत अच्छे से लग भी जाता है। वैसे जो दूसरी टाइल्स होती है या फिर मार्बल्स होते हैं, तो उसमें लगाने में थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, क्योंकि मार्बल्स में तो बहुत ही क्लीन, मतलब बिल्कुल सूखा सूखा पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि मार्बल में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया था, और जैसे ही पोछा लगा रही थी ना, थोड़ी देर में खुशबू भी आ गया था, तो खुशू को भी देख के मज़ा आ रहा था, और उसको भी ये लग रहा था कि मम्मा मुझे भी लगाना है पोछा। पर उसको ना पहले तो मैंने समझाया, मैंने कहा यार नहीं देना है इसको, क्योंकि बच्चे को ना फिर उनको तो खेल लगता है ना, और जल्दी जल्दी काम करना होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि फटाफट से हम काम ख़त्म कर ले। तो सारी एक एक चीज़ फर्नीचर हटा हटा के मैंने आज झाड़ू पोछा अच्छे से कर लिया है। और बाहर के जो ये एरिया है ना, तो वैसे तो मैं अब की बात कर रही हूँ, मैं फटाफट जैसे जैसे काम होता जाता है ना, मैं फटाफट बालकनीज भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि सारी बालकनीज से ना फिर हवा जो आती है ना गर्म, उसकी वजह से घर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, और टाइम से अगर ध्यान ना रखो ना, तो फिर दिक्कत होती ही होती है गर्मियों में। तो बस आगे वाले सारे हॉल में पोछा लगने के बाद मैं अंदर गई थी, और इस टाइम पे खुशू और उसके पापा आ चुके थे, तो मैंने उसको बोला कि पहले आप अच्छे, क्योंकि पूरा मिट्टी वाला हो गया था खुशू, तो वो पहले नहाया है, और नहाने के बाद उसने पोछे को हाथ लगाया है, और आप देखिए वो किस तरीके से मेरी हेल्प कर रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, उसको तो ये लग रहा था कि ये कोई खिलौना है और आप मज़े से खेल रहे हो, तो मुझे भी खेलना है। तो बस आज मेरे बेटे ने भी मेरी हेल्प कर दी है घर सब सफाई करने में। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, जल्दी मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।